अपने खेत में आए हैं बैंगन तोड़ने। आज बैंगन और लिट्टी चोखा बनेगा। तो ये देख सकते हैं हमारे पीछे देसी गुलाब खेत में है, कितना अच्छा खिला है। और वो उधर पीछे पपीता भी फड़ा हुआ है। और ये देखिए मिर्चा की खेती है, यहाँ से मिर्चा लगा हुआ है, अब इसमें फल आना स्टार्ट हो रहा है। पूरा यहाँ से वहाँ तक मिर्चा है, बाकी वो बैंगन है, बैंगन वहाँ पे लगे हुए हैं। और यहाँ से वहाँ तक पूरा रोड तक मिर्चा है। और ये लहसुन का पेड़ है, पूरा लहसुन लगा हुआ है। और ये देखिए फूल गोभी, फूल गोभी कितना अच्छा फूल आया हुआ है, देख सकते हैं। अभी यहाँ वहाँ तक पूरा फूल गोभी है। फिलहाल आज फूल गोभी नहीं खाएंगे, आज बैंगन खाने में है, तो बैंगन चोखा खाएंगे। और ये देखिए ये मटर, अभी तो मटर अभी छोटा छोटा है, तैयार होने के बाद बहुत अच्छा हो जाएगा। यहाँ से वहाँ तक पूरी मटर की खेती है। और वो हमारा घर है, देखिए वहाँ पे है दोस्तों, पास में ही खेत है, यहाँ से वहाँ तक अपना घर है। और ये गन्ना है, अब गन्ना की खेती बंद हो गई है, अब थोड़ा ही गन्ना लगाया जाता है, इसलिए मतलब थोड़ा मेहनत लोग कम करने लगे, इसकी वजह से गन्ना भी देखिए। अभी ये तो गिलहरी बैंगन तोड़ ली है, ये तो कितना तोड़ा बेटा दिखाओ, कितना बैंगन तोड़ा बैंगन, इसलिए छोटे छोटे तोड़ लिए क्योंकि मेरी गाय रात को बहुत परेशान कर रही है, आजकल तो सारा बैंगन खा जाती है, इसकी वजह से हम लोग अभी छोटे छोटे बैंगन को तोड़ लिए। अभी चलो लेकिन दोस्तों ये देखो गांव में गाय भैंस के लिए चारा किस तरह से मारते हैं। यहाँ पे देखो बच्चे लोग चारा काट रहे हैं, ये मशीन गांव में होती है गाय भैंस चारा काटने के लिए। और ये देखो खाना खा रहा है, ये ऊपर ही लेके जा रही है खाना बनाने के लिए। बहुत